नमस्कार। जन नमस्कार। सरोकार मंच अपनी प्रतिवक्ताओं के साथ अपनी श्रृंखला आज के सवाल को लेकर आदरणीय डॉक्टर अनंत भटनागर जी जो अजमेर से हैं और श्रमजीवी महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, साथ में ही बहुत अच्छे विचारक भी हैं और PUCL के वो मानद सचिव हैं। तो आज विचार ये बना कि क्योंकि वो एक्टिव हैं इसलिए वो ज्यादा जानकारियां रखते हैं और सही तरह से हम तक ये बात पहुंच सकेगी श्रोताओं तक कि आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हमारा लोकतंत्र है, एक तो वो है जो किताबों में लिखा है, हमारे संविधान में लिखा है, और एक वो लोकतंत्र भी है जिसे आम आदमी जी रहा है, तो एक कॉन्फ्लिक्ट सा नजर आता है। उसमें आपके PUCL संगठन की भूमिका, सिविल लिबर्टीज को लेकर जो भूमिका है, उस संबंध में थोड़ा आप अपनी बात कहें तो हम कृतज्ञ होंगे, आभारी रहेंगे आपके। आदरणीय डॉक्टर साहब अनंत भटनागर जी से आग्रह। नमस्कार अशोक जी, और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। PUCL का पूरी जो नाम है वो है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज। तो ऐसा संगठन, जनता का संगठन जो कि नागरिक अधिकारों के लिए काम करता हो, तो इसकी स्थापना ऐसे दौर में हुई जब नागरिक स्वतंत्रता सबसे अधिक खतरे में थी, यानी कि आपातकाल के दौरान। संविधान हमारा 1950 से लागू है, संविधान लोकतांत्रिक देश की बात करता है और नागरिक अधिकारों की बात करता है। यह सब व्यवस्था होते हुए भी 26 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया और सारी नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गई, विरोधियों को जेल पहुंचा दिया गया, यानी विरोध के सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, प्रेस की आजादी छीन ली गई, अखबार में क्या छपेगा वो शाम को कलेक्टर तय करेगा, उसके साइन के बिना कुछ छप नहीं सकता, लोगों के इकट्ठे होने की आजादी, विरोध करने की आजादी सब छीन ली। ये सब उस दायरे में हुआ, उसी संविधान के दायरे में हुआ, उसी संविधान के प्रावधानों का उपयोग करते हुए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह वहां से उठना शुरू हुआ कि क्या संविधान के होते हुए भी लोकतंत्र अधिकार सुरक्षित नहीं रह सकते, क्या उनको छीना जा सकता। तो ये जो उस समय PUCL बड़े वकीलों का संगठन ही था जो कि संविधान वेत्ता थे और लोकनायक जयप्रकाश नारायण इसके संस्थापक थे और उनके नेतृत्व में VM तारकुंडे, राजेंद्र सच्चर, रजनी कोठारी, जो संविधान को समझने वाले ऐसे ऐसे लोग, इन सब ने मिलकर अक्टूबर 1976 में एक दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ और तब PUCL NDR का गठन हुआ कि हम इसी व्यवस्था से, संविधान से, कोर्ट के मार्फत कैसे संवैधानिक स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सोच के साथ PUCL NDR, जिसके साथ पहले PUDR भी जुड़ा हुआ कह सकते हैं, एक ही संगठन था, और यहां से शुरुआत हुई। 77 में इमरजेंसी हट गई, बहुत सारे ऐसे लोग जो PUCL DR में थे वो कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा भी बने, लेकिन वो जनता दल की, जनता पार्टी की सरकार 2.5 साल रही, वहीं ये सोच भी डेवलप शुरू होने लगी कि क्या सरकार के रहते हुए हम सरकार का हिस्सा में से कुछ लोग हो गए हैं, तो लेकिन क्या भविष्य में ये आजादी ऐसी सुरक्षित रह पाएगी। तो इस संगठन को अस्तित्व बना रहा और 80 में इंदिरा गांधी की वापस पुनर्वापसी हुई
तो इस संगठन की आवश्यकता को और अधिक महसूस किया गया कि देश में वाकई उन संगठनों की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक अधिकारों और नागरिक अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम कर सके। यही एक जो द्वंद्व भी पैदा हुआ, तो इसमें PUCL और PUDR दो संगठन पैदा हुए। एक का अर्थ PUCL इस मायने का मानना ये था कि हम राजनीतिक दलों के लोग PUCL के सदस्य हो सकते हैं। PUDR का मानना था कि हमें सिर्फ डेमोक्रेटिक राइट की बात करनी है, तो हम राजनीतिक दलों के लोगों को इसका सदस्य नहीं बना सकते। लेकिन दोनों संगठन अपने अपने अस्तित्व में लंबे समय से काम कर रहे हैं और एक अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये टेक्निकल सिर्फ द्वंद्व था। PUCL का ने के संविधान बना और उसने ये तय किया कि चाहे किसी भी पार्टी में हो, आप भारतीय जनता पार्टी में हो, आप कम्युनिस्ट पार्टी में हो, आप कांग्रेस में हो, किसी से आप PUCL के संगठन के सदस्य बन सकते हैं, लेकिन इसके पदाधिकारी नहीं बन सकते। और इसके पीछे एकमात्र सोच ये थी कि कोई दल इस संगठन को अपने कब्जे में नहीं ले ले और अपनी पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना ले। तो ये आज भी PUCL का संविधान इसको फॉलो करता है कि अगर आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो आप PUCL के पदाधिकारी नहीं हो सकते। ये यात्रा की शुरुआत है। लेकिन इस यात्रा की जो एक सफलताओं के बाद मैं बाद में आऊंगा, लेकिन जो सबसे बड़ी मजबूती बनी, 20 साल के 30 साल के संविधान में कभी यह सोचा नहीं गया था कि देश में मानवाधिकार संगठनों की इस रूप में आवश्यकता है कि सरकार है। आप एक तरफ तो कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार है, जनता की सुनी हुई सरकार है, संविधान है, कोर्ट है, फिर मानवाधिकार संगठन की जरूरत क्या है? आप जाइए पुलिस में जाइए, आप सरकार के पास जाइए, कोर्ट के पास जाइए, आपको न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये आवश्यकता तभी महसूस हुई कि ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जब सरकार आपके मानवाधिकारों को छीन सकती है। इसके लिए आवाज उठाने वाले संगठन बहुत जरूरी हैं और ये बने रहे। 1984 में सिख दंगे हुए, तो PUCL पहला संगठन था जो सिख दंगों की जांच करने और उससे लेकर उसने डिमांड उठाई, कंपनसेशन दिलाए लोगों के, गरीब और जो जिन लोग पीड़ित थे, बलात्कार शिकार महिलाएं थी, घर जला दिए गए, उनके साथ खड़ा हुआ संगठन, एकमात्र संगठन PUCL उस 1984 के राइट में मौजूद था। 1989 के बाद से जिस तरह से पूरे देश का माहौल को कम्युनलाइज करने की चेष्टा है, जिसकी पराकाष्ठा हम आज तक आज के समय में भुगत रहे हैं, यह सब इनके विरोध में, दंगों के विरोध में एक PUCL के लोग वहां ग्राउंड पर जाते थे और अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे। वो जांच रिपोर्ट सरकार के लिए भी सहायक सिद्ध होती थी कि जो कि निष्पक्ष जांच होगी। अगर PUCL की सबसे बड़ी क्रेडिबिलिटी जो बनी वो ये बनी कि PUCL के लोग निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी एक का पक्ष नहीं लेंगे, सरकार के पक्षधर भी नहीं होंगे, तो जनता के ने भी अगर कहीं गलती है तो उसको सामने। तो ये PUCL का जो सबसे पहला तरीका शुरू हुआ काम करने का, वो फैक्ट फाइंडिंग का था, जो सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। इसी दौर में देश में मानवाधिकार संरक्षण कानून बनने की मांग उठी। ये भी PUCL PUDR संगठनों के द्वारा ही उठी और जिसका परिणति के रूप में ये हुआ कि 1991 में मानवाधिकार संरक्षण कानून लागू हुआ और इसके आधार पर मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई और इसके बाद महिला आयोग और SC/ST आयोग तरह के आयोग जो बाद में बनते चले गए, इन सब की दिशा इस कानून से तैयार हुई, जिसके लिए कैंपेन में ये सारे लोग मानवाधिकार कार्यकर्ता लगे हुए। राज्यों के मानवाधिकार आयोग बने और ये मानवाधिकार आयोग इंडिपेंडेंट हो सरकार से, क्योंकि अब तक हम किस पर निर्भर थे कि पुलिस की जांच पे, पुलिस जो जांच करे। अब पुलिस खुद बायस होती है तो पुलिस की जांच कौन करेगा? तो या प्रशासन खुद कहीं इन्वॉल्व होता है,
तो इसलिए मानवाधिकार आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो सरकार को क्रियाकलापों पर निगाह भी रख सके, पब्लिक उस तक अपनी ग्रीवेंस, सरकार की ग्रीवेंस भी उस तक पहुंचा सके अगर उसके मानवाधिकार का हनन हुआ है, और कहीं ना कहीं उनको प्रताड़ित भी। हालांकि आज भी जो मानवाधिकार आयोग है आज के समय में तो बड़ा ही डिफंक्ट खैर दिखाई देता है, और लेकिन मानवाधिकार आयोग बना तो मानवाधिकार के प्रति देश में एक चेतना का वातावरण जरूर पैदा हुआ कि इस तरह के आयोग ये काम करते, और इनके द्वारा सहायता मिल सकती है, बहुत लोगों को सहायता मिली भी, लेकिन उसके पास पावर बहुत कम है मानवाधिकार आयोग के पास। वो सरकार को चेतावनी दे सकता है, वो उसकी निंदा कर सकता है, लेकिन सजा देने के अधिकार कम है। विक्टिम को वो राहत दिला सकता है और चाहे कंपनसेशन दिला सकता है, वो सारी बहुत सारी पावर है, उनका उपयोग भी खूब हुआ है, लेकिन देश में एक माहौल स्थापित करने में मानवाधिकार आयोग भी सफल रहा है। अब जब हम बात करते हैं तो इसी लोकतंत्र में या इसी संविधान में हमारे पास नीति निर्देशक तत्वों में बहुत सारी बातें कही गई थी, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, स्वास्थ्य का अधिकार हो, इन सबको लागू की शनै शनै किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ मानवाधिकार संगठनों ने जो सबसे बड़ा योगदान दिया है इस तरह के कैंपेन चलाकर और लीगल तरीके से उन्होंने सरकारों को कोर्ट के माध्यम से बाध्य किया कि वो ऐसे कानून लाएं जो कि जनता के लिए मददगार सिद्ध हो। तो चाहे सूचना का अधिकार कानून आया हो, जो शिक्षा का अधिकार का कानून आया हो, और राइट टू फूड, राइट टू फूड तो का केस पीयूसीएल ने किया और वो केस आज भी एग्जिस्टिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको परमानेंट केस बना दिया, और इसके आधार पर अलग अलग डायरेक्शन पास हुए। तो जो सबसे पहले हुआ कि वो मिड डे मील की योजना, वो राइट टू फूड का जो केस पीयूसीएल का सुप्रीम कोर्ट में है जिसको वो आज भी मॉनिटर करना है, तो पूरे देश में मिड डे मील की योजना लागू हुई। इसके बाद अब तो राइट टू फूड का कानून बन गया, तो ये निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट ने दिए कि राइट टू फूड सबको होना चाहिए, अनाज सबको मिले। एक कैंपेन की अनाज में जो गोदामों में अनाज मौजूद हो और लोगों को नहीं मिले, ये कौन सा संविधान है, कौन सा देश व्यवस्था हो सकती है, इसको लेकर आदेश पारित कराना। तो ऐसे बहुत सारे काम जो कि एक आम व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं और उसको सशक्त बनाने का काम करते हैं, ये पीयूसीएल के माध्यम से हुए। सबसे बड़ी जो लड़ाई की इलेक्शन रिफॉर्म्स देश में आए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का मखौल बनाने में राजनीतिक दलों ने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी है और इसका तरह तरह से दुरुपयोग होता रहा है। तो इलेक्शन रिफॉर्म्स के जो पिछले 20 वर्ष के अनेक आदेश ऐसे हैं जो पीयूसीएल की याचिकाओं के आधार पर या पीयूडीआर की याचिकाओं के आधार पर हुए हैं, लेटेस्ट जो पिछले 10 सालों में नोटा का प्रोविजन आया है वो भी पीयूसीएल की याचिका पे आया है कि अगर हम किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं तो मेरे पास ये अधिकार तो होना चाहिए कि ये पांचों ही विकल्प मेरे काम के नहीं है, 5 15 जो भी हैं। तो इसका कोई बहुत अधिक अभी उपयोग नहीं हो पाया है, वो सिंबॉलिक ही है, लेकिन महत्वपूर्ण बहुत है कि हम, हमारे पास रिजेक्ट करने का भी अधिकार है कि हम आप में से किसी को भी चुनने को राजी नहीं है। तो ये है, टेलीफोन टेपिंग के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं थी, सरकार मन मर्जी है जिसका टेलीफोन टैप कर सकती थी, इमरजेंसी में तो खैर हुए ही, विदाउट इमरजेंसी भी हुए, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में 1996 का डिसीजन आया पीयूसीएल के उस पे, तो कि वो सरकार उसके लिए गाइडलाइंस बनी, हर किसी का, आम नागरिक का टेलीफोन टैप नहीं हो सकता, किसी का करना भी हो तो उसमें होम सेक्रेटरी लेवल तक फाइल चलेगी और वो उसकी जब तक उसके कारणों को सिद्ध नहीं कर दे कि इस कारण से इस व्यक्ति का फोन टैप किया जाना अनिवार्य है, तब तक अब किसी का फोन टैप नहीं हो सकता, ये कानून बना।
सेविज वर्कर्स के राइट हैं, वो इसका लेटेस्ट कुछ समय पर जो सफाई मजदूर और जो सीवरेज में काम करते हुए लोग, कितने ही मजदूर मैं समझता हूँ हजारों मर गए जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं रहा, आज उसके लिए उनकी सेफ्टी के लिए कानून बने हैं। तो ये एक बहुत लंबी यात्रा है, मैं कुछ कुछ चीजें जो मुझे याद आ रही हैं उनके आधार पे बात कह रहा हूँ। रैन बसेरा जो कि शेल्टर होम आश्रय स्थल, ये कभी कभी सर्दियों में तो खोले जाते थे, नगर निगम खोल देता था, और लेकिन इसके लिए कोई कानून नहीं था। आज की तारीख में यूसीएल की याचिका पे बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कानून है कि एक निश्चित एरिया की आबादी पर एक शेल्टर होम होना जरूरी है, और जहां आपको निशुल्क सुविधाएं उपलब्ध करानी है। तो यानी कि कोई गरीब व्यक्ति नौकरी धंधे के लिए किसी छोटे शहर आया, उसके पास रात को छत मुहैया हो सकती है, उससे कहीं नहीं पूछा जाएगा, और वो जाएगा और अपना वहां वो रह सकता है, उसकी एंट्री होगी। और तो हर बड़े शहर में आश्रय स्थल बन गए हैं, उनका बहुत सारे लोग उपयोग भी करते हैं, नहीं भी करते, सड़कों पे आज भी लोग दिखाई देते हैं, बहुत तो ही बहुत सी बार सरकार ये कोशिश भी करती है कि उनको इकट्ठा करके वहां पहुंचे, लेकिन ये व्यवस्था, ये प्रावधान, इस तरह के संगठन नहीं होते तो ये नहीं बनते, ये अस्तित्व में नहीं आते। तो ये सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण भूमिका इसके माध्यम से कि मनुष्य के सम्मान पूर्वक गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार सुरक्षित हो सके, इसके लिए इस तरह के संगठनों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पीयूसीएल का जो संविधान बना उसमें यह भी तय किया कि हम भू माफियाओं, शराब बेचने वालों, इनसे चंदा नहीं लेंगे, और आप चंदा भी बहुत लिमिटेड मात्रा में, अगर वो स्वेच्छा से होगा और जहां तक हो वो पीयूसीएल के वर्कर ही अपने पैसे से संस्था को चला। तो इसके पास कोई व्यक्ति ये नहीं हो सकता कि वो सोचे कि मैंने 25 लाख दान दे दिया तो पीयूसीएल आज मेरा हो गया, वो नहीं हो सकता। ना तो बड़ा किसी से चंदा लेना है, ना किसी ब्लैकमेलर से, ना अपराधी से, ना किसी माफिया से, कोई चंदा नहीं लेना है। इससे इसकी शुचिता संगठन की बनी हुई है। आज भी दिल्ली में ऑफिस चलता है, पीयूसीएल अनेक राज्यों में मौजूद है, ऑफिस चलाना और आज के खर्चे अपन सब सब जानते हैं, उसके बावजूद कई बार किराया देने के पैसे नहीं होते, सदस्य आपस में ऑफिस का किराया निकालते हैं, लेकिन हम किसी सरकार से अनुदान लेने नहीं जाते, किसी मानव अधिकार आयोग से अनुदान लेने नहीं जाते, कि सरकारी अनुदान से ये संस्था नहीं चलेगी। हम उस सरकार का विरोध तभी कर पाने में सफल हो सकेंगे जिस सरकार पे आश्रित नहीं होंगे। अगर उससे हम आश्रय ग्रहण करते रहेंगे तो फिर हम उसका कहीं ना कहीं मॉरली दबाव महसूस करते। कुछ लोग आज के परिप्रेक्ष्य में, आपने कहा कि इनमें लोकतंत्र की व्यवस्था है, आज निश्चित रूप से लोकतंत्र पर इतनी गहरी चुनौतियां हैं, और कहीं ना कहीं जो चुनौतियां हैं ये कल्पना नहीं की गई थी, मैं समझता हूँ संविधान निर्माताओं ने भी ये कल्पना नहीं की होगी कि एक इस तरह का कैपिटलिज्म आएगा कि जो धर्म और पूंजीवाद के गठजोड़ से सत्ता पे हावी हो सकता है, और वो पूरी बाजारवादी व्यवस्था को ले आएगा जो कि पूरे देश में अभी देखने को मिल रहा है। और इस बीच में कि धर्म की अफीम के साथ जिस तरह से पूरे देश का एक वातावरण विषाक्त हो गया, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि पीयूसीएल, पीयूडीआर या और भी संगठन वो इतने सशक्त नहीं है कि इससे मुकाबला कर सके, लेकिन फिर भी वो अंधेरे में दिए की भांति मौजूद हैं, और अब ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं जो इस संघर्ष से डिगे नहीं, वो आज भी मौजूद हैं, और हर तरह के जो इस तरह के कुत्सित प्रयासों के खिलाफ शहर शहर में हर जगह बोलने का उन्होंने मंच नहीं छोड़ा है, और यही मैं समझता हूँ कि जो सबसे बड़ी ताकत वो यहीं से पैदा होती है कि
कि हमारे पास एक पूरे देश में महात्मा गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह तक का इतना बड़ा इतिहास है, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, जिन्होंने अपने उसूलों से समझौते नहीं किए और अपनी राह पर अडिग रहकर उन्होंने सफलताएं अर्जित करी, और सफलता असफलता ना भी हो लेकिन डिगे तो नहीं। तो जब इतनी बड़ी पृष्ठभूमि या इतना बड़ा आपके पास एक स्वर्णिम इतिहास रहा हो, तो ये दौर भी निकल जाएगा। किसने सोचा था कि आपातकाल 2.5 साल में खत्म हो जाएगा, कि जब ऐसा लगा था सब खत्म हो गया, लेकिन वह भी दौर पलटा, और इतना पलटा कि आज भी हम ये तो कह सकते हैं कि आज अघोषित आपातकाल, लेकिन पिछले 50 साल में किसी सरकार के पास ये साहस पैदा नहीं हुआ कि उस आपातकाल के प्रावधानों का वापस से प्रयोग कर सके। आज की सरकार भी चाहती है कि सारे विरोध खत्म हो जाएं, सारे प्रदर्शन खत्म हो जाएं, विरोध करने वाले लोग मिट जाएं, नेस्तनाबूद कर दें हम सबको, ये सरकार सब चाहती है, लेकिन वो अभी आपातकाल के शब्द का प्रयोग करने में डरती है और इसीलिए वो कहीं लागू नहीं कर पाई है। तो वो अब दूसरे तरीकों से हो रहा है, लेकिन आज भी आस्था यही जिंदा भी है कि आज हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, बहुत से फैसले बहुत अच्छे आते हैं, ऐसे लोगों का होना जो कि मानवाधिकार पर समर्पित है, और संविधान का होना, लोकतंत्र का होना, सुप्रीम कोर्ट का होना, या नहीं लोकतांत्रिक सारी व्यवस्थाओं का होने में हम बहुत कुछ अपना बेहतर भविष्य खोज सकते हैं। संभावनाएं कभी समाप्त नहीं होती, और बुरे से बुरे दौर के बाद भी एक अच्छा दौर ही आता है, उसके बाद और बुरा नहीं आता। तो हम इसी उम्मीद के साथ भी हैं कि आने वाला दौर बेहतर होगा और उम्मीद जगाने वाला होगा और आम व्यक्ति को सशक्त करने वाला होगा। मुझे आपने अवसर दिया, बोलने का, बातचीत का मौका दिया, आपका धन्यवाद, सभी श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद।